खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आईएनएक्स भ्रष्टाचार केस में पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम को 19 सितंबर तक जेल भेजा गया। कोर्ट ने कहा अलग सेल हो, दवाइयां मुहैया की जाएं। तिहाड़ की जेल नंबर 7 में कटी पी चिदम्बरम की रात, खाने में मिली दाल रोटी और सब्जी। चिदम्बरम के बेटे कार्ती ने कहा 11 साल पुराने मामले में जेल भेजने का कोई तुक नहीं, सीबीआई अभी चार्जशीट दायर करने के आसपास भी नहीं। चिदम्बरम के जेल जाने पर बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन बोले भ्रष्टाचार करने पर तिहाड़ की हवा खानी पड़ती है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में सुभाष चोपड़ा और जयप्रकाश अग्रवाल सबसे आगे, अजय माकन और अरविंदर लवली के भी नाम भेजे गए। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट से छीन सकता है प्रदेश अध्यक्ष पद, पार्टी में एक व्यक्ति एक पद की सियासी बहस चल रही है। यूपी में महंगी बिजली पर योगी के खिलाफ प्रियंका गांधी का मोर्चा, पार्टी 4 दिन करेगी प्रदर्शन। एसपी नेता आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट में बिजली चोरी के शक में छापेमारी, बिजली काटी गई। महाराष्ट्र एनडीए गठबंधन में आरपीआई के आठवले ने गठबंधन में मांगी 10 सीटें, शिवसेना बीजेपी ने 18 सीटें सहयोगियों को देने का फॉर्मूला बनाया। महंगे ट्रैफिक चालान पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पीछे हटने को तैयार नहीं, कहा सड़क पर जान की हिफाजत ज्यादा जरूरी। AK-47 केस में गिरफ्तार निर्दलीय विधायक अनंत सिंह की मुश्किल बढ़ी, हत्या की साजिश वाले ऑडियो में अनंत की आवाज सही पाई गई।